2000 रुपए के नोट बदलने के लिए इस वक्त बैंकों में रोज से ज्यादा लोग दिखते हैं। जाहिर है 30 सितंबर से पहले 2000 के नोट बदलने हैं, तो अगर आप इन नोटों को बदलने के लिए बैंक जाने के झंझट से बचना चाहते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। अमेज़न ने अपने ग्राहकों को राहत देने के लिए एक खास सर्विस शुरू की है। इस सर्विस के जरिए अमेज़न आपको घर बैठे ही नोट बदलने का मौका दे रहा है। अमेज़न पे के लिए कैश लोड एट डोर स्टेप सर्विस की शुरुआत की गई है, जिसके जरिए अमेज़न के ग्राहक घर बैठे ही 2000 रुपए के नोट बदल सकते हैं। इसके लिए अमेज़न के ग्राहक डिलीवरी एजेंट को 2000 रुपए के अतिरिक्त नोट दें और इसके बाद आपके बदले हुए नोट का बैलेंस अमेज़न पे बैलेंस में आ जाएगा। अमेज़न ने कहा है उसके ग्राहक नकद के जरिए पेमेंट के लिए दिए गए ऑर्डर के लिए डिलीवरी एजेंट को 50,000 रुपए तक दे सकते हैं। ये बैलेंस जब आपके अमेज़न पे में आ जाए तब आप इसे ऐप पर शॉपिंग करने, स्टोर पर स्कैन करने, पेमेंट करने में इस्तेमाल कर सकते हैं या सीधे बैंक में भी ट्रांसफर कर सकते हैं। अमेज़न के सर्विस का फायदा लेने के लिए आपको पहले क्या करना होगा ये जान लीजिए। पहले ऐप के जरिए आपको सामान ऑर्डर करना होगा, पेमेंट में कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन देना होगा। जब सामान देने के लिए डिलीवरी पर्सन आपके घर पर आए तो आप उसे 2000 के अतिरिक्त नोटों को अमेज़न पे में डिपॉजिट करने के लिए दे सकते हैं। कैश देने की थोड़ी देर बाद आपके अमेज़न पे में बैलेंस दिखने लगेगा। ध्यान रहे, आप जो भी सामान खरीद रहे हैं डिलीवरी पर्सन उस सामान की रकम को काटकर शेष रकम को आपके अमेज़न पे बैलेंस में ट्रांसफर करेगा। अमेज़न ने बयान में कहा, अगर दुकानों पर भुगतान करने के लिए 2000 रुपए के नोट को स्वीकार नहीं किया जा रहा तो चिंता मत कीजिए, आप अपने अगले कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर पर हमारे एजेंट को वो नोट दे सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने 19 मई को 2000 रुपए के नोट को वापस लेने की घोषणा की थी। इस नोट को 30 सितंबर तक बैंक खाते में जमा करना होगा या फिर उसे बैंक में जाकर दूसरे नोट से बदला जा सकता है। आरबीआई ने इस तथ्य पर जोर दिया है कि 2000 रुपए का नोट वैध मुद्रा बना रहेगा। इसका मतलब ये कोई भी व्यक्ति 2000 रुपए के नोट का इस्तेमाल सामान, सेवाएं खरीदने और रोजमर्रा की जिंदगी के लेन देन में कर सकता है। तो सबसे पहले आपको इस सिस्टम का इस्तेमाल कैसे करना है, यानी अमेज़न से आप किस तरीके से 2000 रुपए के नोट बदल सकते हैं जान लीजिए। एक बार फिर, अमेज़न पर कुछ सामान आपको ऑर्डर करना होगा जिस पर आपको कैश लोड का ऑप्शन दिखाई देगा। अब चेकआउट प्रोसेस के दौरान कैश ऑन डिलीवरी ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिए। इस बीच भारतीय रिजर्व बैंक ने घोषणा की है कि 2000 रुपए के करेंसी नोट धीरे धीरे चलन से बाहर हो जाएंगे। जिन व्यक्तियों के पास 2000 रुपए के नोट हैं वो या तो उन्हें बदल सकते हैं या 23 मई 2023 से किसी भी बैंक में जमा कर सकते हैं। ये सुविधा 30 सितंबर 2023 तक खुली रहेगी। हालांकि ये ध्यान देने की बात है कि चरणबद्ध प्रक्रिया के बावजूद 2000 रुपए करेंसी नोट अब सितंबर के बाद भी लीगल टेंडर के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखेंगे। एक खास बात ये जान लीजिए कि जब आपका डिलीवरी एजेंट ऑर्डर लेकर घर आएगा तो उसे ये बताएं कि आप अपने अमेज़न पे बैलेंस में पैसे डिपॉजिट करना चाहते हैं। एजेंट को पैसे दीजिए। अब कुछ चीज़ों को चेक करने के बाद डिलीवरी एजेंट आपके अमेज़न पे अकाउंट में बैलेंस ट्रांसफ़र कर देगा। प्रोसेस पूरा होने के बाद आप अमेज़न पे बैलेंस को चेक कर सकते हैं और चेक कर लीजिए, देखिए कि आपने जो पैसे एक्सचेंज करने के लिए कहे हैं वो सारे पैसे अमेज़न पे बैलेंस में आए हैं या नहीं। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।